त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह और ACM गौरव श्रीवास्तव और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाते हुए खोवा मंडी में छापेमारी की। खोवा मंडी पहुंची टीम को देखते ही मंडी में अफरा तफरी मच गई। कुछ दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर भाग गए। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट ने खोवा मंडी में बिक रहे खोवा को चेक किया और सैंपलिंग लेकर उसे जांच के लिए भेज दिया। छापेमारी के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने बताया। फिर बहुत दूसरे उसमें पड़ जाएंगे। क्या वाले के पास जो
आपका है कहाँ भाग गए? दुकान है ना, अंदर भी है क्या? इन्हीं का है सर। अंदर क्या है भाई? तो क्या है तो वही बताओ। खाली हो? लेके जो है आज खोवा मंडी में पूरे खाद्य विभाग की टीम, उनके डीओ साहब, चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर और जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं उनके साथ हम लोगों ने जो है आज एक इस क्षेत्र में नमूने लिए हैं। जहां संदेह हुआ है या जहां भी संदेह नहीं भी हुआ तो हम लोग सैंपलिंग कराए हैं और यह लैब भेजा जाएगा। अगर इसमें कोई कमी होगी तो जो भी होंगे उनके खिलाफ़ जो है कार्रवाई की जाएगी। ये खोए की सैंपलिंग ली गई है, खोआ, कुछ मिठाइयाँ भी थी, जो भी इनके पास सामग्री मिली लगा कि नहीं इसकी होनी चाहिए तो हम लोगों ने कराया।